मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही हर दिन राजनीति की नई नई खबरें राजनीति की सुर्खियां बन रही हैं। प्रदेश की राजनीति में जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिस तरह से अपने सांसदों और केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, उससे प्रदेश में बीजेपी के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आज हर आम और खास की जुबान पर चर्चा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोई केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लेता है तो कोई सिंधिया का, कोई नरोत्तम मिश्रा का नाम ले रहा है तो कोई कैलाश विजयवर्गीय का। शिवराज सिंह के बाद ये ही चार नेता प्रदेश की राजनीति में अनुभवकारी होने के साथ साथ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खास भी हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के सीनियर लीडर को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, उसे देखते हुए लगता है कि पार्टी हाईकमान शिवराज सिंह को केंद्र की राजनीति में लेकर प्रदेश की कमान किसी और नेता को सौंप दे। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर सबको चौंकाया है, उसे देखकर लगता है कि प्रदेश में बहुमत मिलने पर बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर किसी नए नाम की घोषणा करे। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की बात पर यकीन किया जाए या फिर पीएम मोदी की पसंद को देखा जाए तो बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से होगा, और प्रदेश में आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से अच्छा आदिवासी चेहरा पार्टी के पास नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, और अगर प्रदेश में बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया तो अप्रैल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। आदिवासी समाज के दूसरे राज्यों में बीजेपी को वोट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बीजेपी का सरकार बनने पर नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलने की बात को सीएम शिवराज सिंह के इस बयान से भी बल मिल रहा है। सुनिए सीएम शिवराज ने अपनी लाडली बहनों को संबोधित करते हुए क्या कहा था। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पलड़ा इसलिए दूसरे नेताओं से ज्यादा भारी है कि एक तो प्रदेश के सबसे सीनियर आदिवासी बीजेपी नेता है और दूसरा उन्हें सत्ता का भी लंबा अनुभव है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने 1920 में पहली बार मंडला की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। 1996, 1998, 1999, 2004, 2014 और 2019 में वो लोकसभा का चुनाव जीते थे, जबकि 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार मिली थी, और इसके बाद 2012 में फग्गन सिंह कुलस्ते राज्यसभा के लिए चुने गए थे। बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा है। वो मंडला जिले के बारबंटी गांव के रहने वाले हैं। कुलस्ते के पास MELLB की डिग्री भी है और उनकी हायर एजुकेशन सागर यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से हुई है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1988 में बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हुई थी। और ये भी दिलचस्प है कि कुलस्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार फिर से अपने भाई राम प्यारे कुलस्ते के लिए टिकट मांग रहे थे, जबकि राम प्यारे कुलस्ते 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी किसी नए चेहरे को मंडला विधानसभा सीट से टिकट देना चाहती थी, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते का वजन और उनकी आदिवासी समाज पर पकड़ को देखते हुए उन्हें मंडला विधानसभा सीट से लड़ने के लिए भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, और अगर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो उसका सारा क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाएगा। ऐसे में प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री पीएम मोदी की पसंद का ही बनेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं रहेंगे, इतना तो पक्का है। बीजेपी फिलहाल अपना पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर लगा रही है और चुनाव के परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री को लेकर अपने पत्ते खोलेगी।